हेलो दोस्तों, अगर आप रेवन कंपनी का सनग्लासेस यूज करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है या फिर हर इंसान के लिए है जो कि रेवन सनग्लासेस पहनता है एक्चुअली, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा रेवन का डुप्लीकेट सनग्लासेस अवेलेबल है। तो कैसे पता करें कि जो सनग्लास आपको दिया गया है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लेंस रहता है ना, लेंस के ऊपर जो प्रिंटिंग रहता है रेबन पी मतलब पोलराइज लेंसेस है एक्चुअली, तो इसमें टच करने पे आपको पता नहीं चलेगा, चाहे आप उसको बैक से टच कीजिए या फ्रंट से एक्चुअली। रेबन का देखेंगे तो बॉक्सेस कुछ इस तरह से पैकेजिंग होती हैं। अगर आप ओरिजिनल सनग्लास किसी भी दुकान से खरीदते हैं, चाहे वो लोकल दुकान हो या ब्रांडेड दुकान हो, तो जो रेबन की पैकेजिंग आएगी कुछ इस तरह से पैक करके ही सनग्लासेस आपको दिया जाता है या फिर मिलता है एक्चुअली। ओके, तो इसमें देखेंगे तो इसमें प्राइसिंग वगैरह लिखा रहता है, कितना प्राइस होता है, प्लस ये प्रोडक्ट कब आपका इम्पोर्ट हुआ है और कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है और कौन इसको इम्पोर्टेड है, इस सनग्लासेस का मतलब कहाँ से आपको भेजा गया है, तो ये सब जानकारी जो है बॉक्स के ऊपर ही पूरा लिखा रहता है एक्चुअली। ओके, तो इसका प्राइस कुछ 7990 लाइक 8000 है, 2014 का बहुत पुराना बॉक्स है एक्चुअली। ओके, तो चलिए देखते हैं खोल के। खोल के देखने के बाद कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आपको सामने मिल जाएगा, एक केस रहता है, बाद में सनग्लासेस रहेगा, पूरा पाउच रहेगा और साइड में हमने पन्नी वगैरह पहले ही निकाल के रख दिया था एक्चुअली, ठीक है। तो ये सभी पूरा तरह से पैकेजिंग करके ही आपको आता है वहाँ से एक्चुअली। ओके, तो इसके साथ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैं बोलूँगा केस रहता है लेदर का, जो कि देखने में भी अच्छा है। ओके, और देखेंगे तो साथ में ये कुछ दो तीन छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स आपको रहते हैं कि इसके बारे में दिया रहता है, क्या है कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहता है, द आइकॉन्स, तो करीब 3-4 तो आपको छोटे छोटे ऐसे पेपर उसके साथ में दिए रहते हैं जिसमें कि पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है उसके बारे में। ओके, सो चलिए अब जो मेन पॉइंट्स है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लेंस के ऊपर रेबन पी लिखा होता है या फिर रेबन लिखा रहेगा, वो प्रिंटिंग जब आप टच करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि कुछ अलग से प्रिंटिंग किया हुआ है, वो लेंस के अंदर ही रहता है एक्चुअली। चाहे आप इधर से टच करेंगे फ्रंट से या फिर बैक से, वो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ अलग से कुछ प्रिंटिंग किया गया है, मतलब वो फील नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पहला तरीका पता करने के लिए कि जो दिया गया है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये ओरिजिनल की निशानी होती है, उसका खुद उसी में प्रिंटिंग रहता है, ठीक है। और अब बात करेंगे कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका इसका जो नोच पैड होता है, नोच पैड पे देखेंगे तो रेबन लिखा रहता है, प्लस लेंसेज का कलर भी कुछ देखेंगे तो उसे पता चल जाता है टिंटिंग वगैरह देख के कि यस ये रेबन का ओरिजिनल वाला ही है। बाकी जो टेम्पल होता है, टेम्पल पे इतना क्लियरली तो वीडियो में नहीं दिख सकता है आपको, बट जो टेम्पल रहता है ना, टेम्पल पे पूरा मॉडल वगैरह लिखा रहता है कि रेबन का कौन सा मॉडल है, क्या साइज है, वो सभी पूरा साइड में जो डंडी होती है डंडी पे पूरा लिखा रहता है एक्चुअली। ओके, और यहाँ पे देखेंगे नोज ब्रिज के पास तो यहाँ पे भी आपका वो रेबन लिखा रहेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये दो तीन तरीके थे छोटे छोटे जिससे आप पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा मेन तरीका है जो लेंस होता है ना, लेंस पे ही अंदर में प्रिंटिंग रहता है रेबन, जो साइड में आपको दिखता है बहुत ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिनल वाले की पहचान कैसे करें, तो दोनों साइड लेंसेज में वो लिखा रहता है एक्चुअली रेबन, जो कि आपको दिखता नहीं, आरबी लिखा रहेगा, आरबी। ओके, सो अब बताते हैं डुप्लीकेट वाला ओपन करके आपको। तो ये देखेंगे दोनों देखने में सेम टू सेम है, ऊपर से देखेंगे क्या फ़र्क है, आपको दोनों पे रेबन लिखा है तो आपको लगेगा दोनों ही ओरिजिनल है, बट ओरिजिनल मैंने ऑलरेडी बताया। अब हम बात करेंगे ये जो डुप्लीकेट है डुप्लीकेट में क्या होता है एक्चुअली। तो इसकी जो प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग आप टच करेंगे तो आपको ईजिली पता चलेगा, छूने से ही पता चलेगा कि हाँ कुछ अलग से प्रिंट किया हुआ है रेबन एक्चुअली। ओके, और इसके जो टेम्पल होता है, टेम्पल पर कहीं पर भी आपका इसका मॉडल नंबर नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ आपको लिखा रहेगा साइज उसका, क्या साइज का सनग्लास है वो। और जो लेंस होता है ना, लेंस के अंदर जो मैंने बताया आरबी लिखा रहेगा दोनों लेंसेज पे, आरबी वगैरह कुछ नहीं लिखा रहता है, बिल्कुल प्लेन रहेगा। तो तीन तरीके हैं पकड़ने के लिए, पहला जो प्रिंटिंग था, प्रिंटिंग टच होगा पता चलेगा आपको इजीली कि प्रिंट है, दूसरा तरीका है आरबी इसमें लेंस पे नहीं लिखा रहेगा कहीं पे भी, तीसरा तरीका है मॉडल नंबर इसमें कहीं पे भी नहीं रहेगा। तो इजीली आपको पता चल जाएगा इन सिर्फ तीन तरीकों से ही जो मुझे रेबन मिला गया है वो एक्चुअली डुप्लीकेट है ना कि ओरिजिनल। ओके, थैंक यू।